लोकसभा चुनाव में भले ही अभी देर हो लेकिन सियासी रस्साकसी शुरू हो चुकी है। बिहार में 25 फरवरी को मेगा पॉलिटिकल शो होने जा रहा है। पटना में गृह मंत्री अमित शाह तो पूर्णिया में महागठबंधन के नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पच्चीस फरवरी को बिहार में रैलियों का दिन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दो सभाएं। आने वाला 25 फरवरी का दिन बिहार में राजनीतिक रूप से काफी हंगामेदार रहने वाला है। इस दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह दो दो रैली बिहार में करने वाले हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से पूरे सीमांचल को साधने की तैयारी चल रही है। अमित शाह जहां वाल्मीकि नगर और पटना में रैली करेंगे तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित सात दलों के महागठबंधन की रैली पूर्णिया में होने वाली है। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में शामिल होने से पहले शाह वाल्मीकि नगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने सभी बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जनसभाएं करने का टास्क दिया हुआ है। अमित शाह ने पूरी तरह से बिहार पर फोकस किया है, यही वजह है कि वो लगातार बिहार में अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। श्री अमित शाह जी का वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आगमन हो रहा है। 25 तारीख को 11 बजे वह साहू जैन हाई स्कूल के मैदान में वह वाल्मीकि नगर लोकसभा के अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पिछली दफा अमित शाह ने सीमांचल में दो दिन का प्रवास भी किया था और वहां बड़ी रैली करने के साथ साथ कई बैठकें भी की थी। इसके 20 दिन के बाद अमित शाह ने छपरा के सिताब दियारा में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली पर एक बड़ा समारोह किया था। और फिर 4 महीने के बाद अमित शाह कई इलाकों को अपनी जनसभा से साधेंगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित सात दलों के साथ महागठबंधन की महारैली पूर्णिया में करने जा रहे हैं। इस महारैली का महत्व ऐसे समझा जा सकता है कि 4 महीना पहले अमित शाह ने सीमा चलाकर ध्रुवीकरण की बड़ी पहल की थी, उसको अपने पक्ष में करने के लिए अल्पसंख्यक इलाकों में ये बड़ी रैली होगी। हमारे तो भाई कहीं भी कोई जा ही ना सकता है, कोई रोक टोक है। अब हम तो आपको कई बार बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बात को यकीन में माने ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने, उसमें ये दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज के डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे हैं। महागठबंधन की महारैली का दूसरा फैक्टर है AIMIM सुप्रीमो ओवैसी। उन्होंने लगातार सीमांचल पर फोकस किया हुआ है, लगातार उन इलाकों में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं। ओवैसी को कमजोर किया जाएगा तभी महागठबंधन की दाल गलेगी। पिछली दफा ओवैसी ने सीमांचल के इलाके से 5 सीट जीतकर महागठबंधन को झटका दिया था। अब ओवैसी फैक्टर कहीं मजबूत ना हो जाए, इसे लेकर ये महारैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं सीमांचल के वोट बैंक पर महागठबंधन की भी नजर है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।